वैसे छठवां चरण कुल 58 सीटों का रण है, कौन इस चरण में लीड ले रहा है, वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है और पूर्वांचल की 8 सीट बीजेपी के लिए कैसे नाक का सवाल बन चुकी है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छठा चरण 2024 की चौसर का दूसरा आखिरी रण है, जिसमें हर दल ने अपने अपने दांव आजमा लिए। पिछले 5 चरण में जहां वोटिंग के आंकड़े कभी उलझाते तो कभी चौंकाते रहे, इस बार भी कमोबेश वही तस्वीर सामने आई। चिलचिलाती धूप में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लोकतंत्र के त्योहार को खूबसूरत और 24 की फाइट को दिलचस्प बना रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि छठे चरण में देश के 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई है। इनमें 2019 के नतीजे देखें तो 58 में से 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 4 सीटों पर बसपा, 3 सीटों पर जेडीयू, 4 सीटों पर बीजू जनता दल और 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी तरह यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई, इनमें 2019 में बीजेपी 9 सीटें जीती थी, बीएसपी के खाते में 4 सीट और सपा ने 1 सीट जीती थी। अगर बिहार की बात करें तो छठे चरण की 8 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी, यानी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को ही विजय मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिन 8 सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है, वहां पर बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है, यहां पर बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ओडिशा में 6 सीटों पर मतदान है, बीजेपी ने पिछले साल यहाँ पर 2 और बीजेडी यहाँ पर 4 सीट जीती थी। अब सवाल उठता है कि छठे चरण में जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई, क्या उनके नतीजे 2019 की कहानी दोहराएंगे या फिर जनता अपने फैसले से चौंकाने वाली वोटिंग कर चुकी है। हारी हुई सीटों पे बीजेपी की अपनी रणनीति थी और उसी रणनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया है और हर जगह उन्होंने अपने लोगों को तैनात किया था। इस पूरे फेज में अगर देखें तो 2019 जितनी ही कड़ी चुनौती 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी छठे चरण में ही वोटिंग हुई। 7 लोकसभा सीटें होने का गौरव दिल्ली के पास है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी की सीधी लड़ाई है। दिल्ली साल 2014 से ही बीजेपी का मजबूत किला बना हुआ है, लेकिन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, फिर जमानत और उसके बाद स्वाति मालीवाल पिटाई मामला, दिल्ली में इतने उलटफेर हुए हैं कि यहाँ की जनता का रुख समझना मुश्किल हो गया है। लेकिन दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच देखने को मिली, जबकि नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इसी तरह यूपी में भी छठे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सबसे बड़ी फाइट तो आजमगढ़ में देखने को मिली। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ की सीट पर सबकी नजरें हैं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो राजा भैया के प्रभाव क्षेत्र वाली 4 सीटें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और प्रयागराज में भी जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।